गाइस, मैं बिग बॉस एक्सट्रीम से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में जो शिव एंड प्रियंका का रिश्ता है, वो कभी दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं बातें समझाने लग जाते हैं, और कभी कभी उनके बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन हमेशा ही एक दूसरे की तारीफ वो बहुत करते हैं। प्रियंका चौधरी हमेशा ही अंकित गुप्ता के सामने जो शिव की तारीफें हैं वो करती रहती है, जिसके कारण जो अंकित गुप्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि जिसके साथ तू लड़ती है उसकी इतनी ज़्यादा तारीफें क्यों करती है, क्योंकि प्रियंका हमेशा कहती है कि जिस बंदे में जो टैलेंट होगा मैं हमेशा उसकी तारीफ करूंगी। ऐसा ही देखने को मिला शिव ठाकरे का, और शिव ठाकरे ने कहीं ना कहीं प्रियंका चौधरी की निम्रत के सामने बहुत ज़्यादा तारीफ की, और उन्होंने कहा कि कैसे भी हो ये बंदी में दम तो बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये बंदी सब घर वालों से अलग है, ये बंदी अपने माइंड के बारे में सोचती है, कभी भी किसी की गेम पर नहीं चलती है, भले इनका सामने दोस्त हो भले दुश्मन हो, लेकिन जहां पर इन्होंने सच बोलना है तो वो बोल ही देती है, भले इनके दोस्त ही टूट जाए लेकिन जी कभी भी झूठ नहीं बोलती है, कभी भी सेल्फिश नहीं होती है, और हमेशा ही हर चीज में जी कहीं ना कहीं फियर रहती है, कभी भी हमने इसका अनफेयर जो डिसीजन है वो नहीं देखा, जिसके कारण जो निम्रत है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि शायद ये कमियां मेरे में है, क्योंकि निम्रत हमेशा ही अपने दोस्त के लिए लड़ती भी है, अपने दोस्त के लिए वो कहीं ना कहीं धोखेबाजी भी कर जाती है, और कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर रखकर बाकी घर वालों को बारे में वो बहुत कम सोचती है, लेकिन प्रियंका चौधरी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा सोचती है, भले उनका दुश्मन ही क्यों ना सामने हो लेकिन जो उन्होंने बात करनी होती है, दुश्मन की सपोर्ट करनी होती है तो वो खुलेआम करती है, जिसके कारण जो शिव ठाकरे है वो इस बात के लिए प्रियंका चौधरी को बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सच में जे बिग बॉस के घर में बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसकी गेम काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट पर जाने वाली है। क्या आप भी शिव ठाकरे की बातों से सहमत है, और कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि शिव ठाकरे एंड प्रियंका का जो रिलेशन है वो तो समझ में नहीं आ रहा, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी कभी तारीफें, तो आपकी क्या राय है, तो प्लीज़ आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए, और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।